विक्टोरिया जिला अस्पताल में सोमवार से सिटी स्कैन बंद कर दिया गया है। अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा को 15 दिन के लिए रोका गया है। यह निर्णय सिटी स्कैन सेंटर को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किया गया है। वर्तमान में जिस स्थान पर सिटी स्कैन सेंटर संचालित है वहां पर अस्पताल के एक्सटेंशन बिल्डिंग का निर्माण होना है। भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए कई दिनों सिटी स्कैन सेंटर को हटाने के प्रयास हो रहे थे। स्थानांतरण प्रक्रिया में आने वाली लागत को लेकर सेंटर चलाने वाली निजी कंपनी और स्वास्थ्य विभाग के बीच खींचतान चल रही थी। अब निजी कंपनी सेंटर का स्थान बदलने के लिए तैयार हो गई है। इससे अस्पताल में एक्सटेंशन बिल्डिंग के निर्माण का रास्ता भी साफ हो जाएगा। निर्माण स्थल पर अन्य विभागों को पहले ही स्थानांतरित करके पुराने भवनों को तोड़ा जा चुका है। नए भवन का निर्माण होना है जिसके 225 पलंगों की व्यवस्था है। चूँकि अभी तक 275 पलंग यहाँ उपलब्ध हैं, जिला चिकित्सालय को 500 बिस्तरीय करना है। इसके लिए पीछे जो पुराने भवन हैं उनको तोड़ना जरूरी था, जिन्हें तोड़ा गया है। वहाँ नया भवन 225 पलंग और अन्य व्यवस्थाओं के साथ बनेगा। सीटी स्कैन की जो मशीन है उसका भवन भी उसी के बीच में स्थित है, उसे भी हटाना जरूरी है जिससे नया भवन पूर्ण रूप से बन सके। इसके लिए सीटी स्कैन मशीन हेतु हमने एक स्थान उपलब्ध कराया है ओपीडी के पास, उसे स्थानांतरित किया जा रहा है वहाँ। तो चूँकि मशीन स्थानांतरित होगी इसलिए 1 तारीख से 15 अप्रैल तक सीटी स्कैन की सुविधा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं होगी और वहाँ पर वो काम करती रहेगी ओपीडी में। और जैसे ही नया भवन बनेगा तो फिर करीब 1.25 साल बाद उसे वापस नए भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल, इंडिया न्यूज़।